सो है गाइज व्हाट्सअप कैसे हो। सो गाइज आपका भाई फिर से एक और न्यू ट्रेंडिंग लोफी स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका है और ये जो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाली है। देखो यार मेरा सभी वीडियो तो कमाल का होती है लेकिन आप लोग क्या करते हो कि नहीं देखते, स्किप करके भाग जाते हो। बट दोस्तों ऐसा करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आप लोग तो कुछ सीख ही नहीं पाते हो। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। देखो यार मेरा जो भी वीडियो आती है उसमें कुछ ना कुछ नया नया ऐड होती रहती है, ठीक ना। चाहता तो मैं देखो XML फाइल भी दे सकता हूँ लेकिन दोस्तों आप लोग खुद सोचो XML फाइल से आप लोग क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। मतलब कि वहाँ पर कैसे ऐड होती है, कैसे इफेक्ट ऐड करना है, कैसे क्या होती है, मतलब कि आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है और अलर्ट मोशन का ये लेटेस्ट वर्जन मिलेगा कहाँ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने पिन करके रखा है। तो सबसे पहले प्लस पे टैप करो और यहाँ पर 9:16 ले लो, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। उसके बाद प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे जाना है एंड सबसे पहले आपको फोटो को लेना है। तो इस टाइप के जो मैं फोटोज यूज़ करता हूँ ये आपको मिलेगी कहाँ पर, ये मिलेगी आपको पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन पर या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। मैं बीच बीच में इस तरह के फोटोज़ देता रहता हूँ तो आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फोटो को लेने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पर जाना सबसे पहले एंड इसका मतलब कि जो इमेज है थोड़ा सा छोटा कर लेना है। उसके लिए हम ये वाला आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना करना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद हम यहाँ पर एक शेप को ऐड करेंगे। तो प्लस पर टैप करता हूँ, ये वाला शेप ऐड करना है। तो यहाँ पर मुझे कलर से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का कलर जो भी आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो शेप को लेने के बाद एडिट शेप पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको साइज को जो है एक्स का साइज को आप लोगों को इस तरह के बढ़ाना है, ठीक है ना। तो मैं इतना बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ सॉरी रेडियस का काम हो रही है तो मैं इतना बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना, 475 कर लेता हूँ। और वाई पे क्लिक करना, एक बार वाई पे क्लिक करने में आपको यहाँ पर वाई को भी 475 है 470 कर लेना, ठीक है ना, सॉरी 470 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो 300 में रख लेता हूँ, ये सही लगेगा। उसके बाद हम रेडियस पे जाएंगे और रेडियस को हम 80 तक कर लेंगे, ठीक है ना। तो 80 तक करने के बाद हम यहाँ पर बैक करेंगे और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको ऊपर कर लेंगे, इतना ऊपर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे और ये दोनों लेयर जो है लेफ्ट साइड पे इस पर क्लिक करेंगे दोनों पे और यहाँ पर मार्क्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर दो तो कुछ इस टाइप का अपन का मतलब की फोटो है वो क्रॉप हो जाएगी। अब हम यहाँ पर शैडो ऐड करेंगे, उसके बाद बॉर्डर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप एंड मार्क्स पर ऑप्शन पर क्लिक करो, बॉर्डर पर क्लिक करो, उसके बाद ऐड बॉर्डर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आउटसाइड पर जाना, ठीक है ना। आउटसाइड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर साइज पर क्लिक करना है और इसका साइज आप लोगों को कम से कम 16 तक रखना है। ज़्यादा रखोगे तो बहुत ज़्यादा मोटा दिखेगी और कम रखोगे तो काफ़ी सही लगेगा। तो यहाँ पर 16-17 कर लेता हूँ, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला आइकन पर टैप करना है, शैडो वाले पे यहाँ पर क्लिक करो और शैडो को सबसे पहले ऑन करो। यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद आपको देखो यहाँ पर जो मतलब कि शैडो है वो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ब्लैक है। तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पर व्हाइट ले लो, ठीक है ना। व्हाइट लेने के बाद आपको साइज पाना है, साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है, इतना देखो साइड पे आप लोगों को जो शैडो है वो दिखाई दे रहा है। और साइड उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद पोजीशन पे जाना है और एक्स और वाई जो है 3:3 दिखाई दे रहा है आपको जीरो कर लेना है, ठीक है ना। तो दोनों को जीरो करना है, सॉरी यहाँ पर जीरो कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से साइज वाला ऑप्शन पर आना है और इसको साइज को अब थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। तो देखो अब काफ़ी सही लगेगा देखने में, तो देखो इतना काफ़ी सही लग रहा है। तो आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर इसको बैक करना है। बैक करने के बाद हम थोड़ा सा मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करके इसको फोटो को जो है थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाएंगे, इतना। तो इतना करने के बाद आपको बैक करना है। अब हम इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे, उसके लिए इफेक्ट पर क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सबसे पहले हम एक मूव होने वाला इफेक्ट ऐड करेंगे जो कि ओसिलियाटे होती है, OS सर्च कर लेना है OS। तो ओसिलियाटे ऑन हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करो फिर स्टैंडर्ड सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर ओसिलियाट को एंगल को जो है आपको 90 डिग्री कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ, तो 90 डिग्री हो जाए जल्दी से, टाइम वेस्ट क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो चुकी है। अब हम आएंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद आपको इसको 0.25 तक कर लेना है, ठीक है ना। तो 0.25 तक, तो यहाँ पर 25 यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कैसे अब मेरा फोटो जो है मूव होगी। तो देखो 0.25 किया ना मैंने, तो यहाँ पर देखो मूव हो रही है। और ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा मूव होगी, नीचे ऊपर उठते जाएगी तो उतना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो 20 तक कर लेना है। उसके बाद मैग्नीट्यूड पर क्लिक करना है और 25 है इसको थोड़ा सा घटा देना है, 18 कर देना, ठीक है ना, इतना करना है। उसके बाद बैक करना है, उसके बाद हम फिर से इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। अब हम कर लेंगे सिंपल स्टार फील्ड, तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर सिंपल SIMPLE जो मैंने एडिट मतलब कि यहाँ पर
इसको ऐड करना है। यहाँ पर क्लिक करो, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करो। अब यहाँ पर इसको ऑन करो। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके की फ्रेम ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एकदम लास्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे। आपका वीडियो का ड्यूरेशन रख लेना, यहाँ पर मैंने 5 सेकंड रखा है, आप लोग जितना दूर रखना चाहते हो रख लेना। एक लास्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट पहले की फ्रेम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर इसको कम से कम एकदम 300 कर देना, ठीक है ना। तो मैं दिखाऊंगा कैसे मेरा मतलब कि हुआ होगा। तो देखो इस तरह का मतलब कि की फ्रेम मतलब कि जो पार्टिकल्स है स्टार स्टार वाला, वो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। अब हम स्केल पर आएंगे और स्केल को हम कर लेंगे 1.40 या 50 तक कर लेते हैं, ठीक है ना, देख लेना। तो यहाँ पर मैं 51 तक कर लेता हूँ। देखो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब कि फोटो के बीच में आप लोगों को पार्टिकल्स दिख रहा होगा। और साइज पे जाना है और साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए पार्टिकल्स, तो मैं 140 तक कर लेता हूँ, ठीक है ना, 143-140 तक इतना कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक करना है। अब हम एक इमेजी ऐड करेंगे जो ऊपर में था, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे और एक बार यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग पोजिशन पर आएंगे, प्लस पर टैप करेंगे। ए टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी सी इमेज ले लेना है। तो यहाँ पर मैं एक हार वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एक और ले लेता हूँ और एक ये वाला ले लेता है, ठीक है ना। ये वाला दोनों इमेज लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कलर जो है, देखो इसका कलर देखो कैसा हो चुका है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम कलर पर टैप करेंगे और ये बीच वाला पर क्लिक करने के बाद आपको इसको एकदम नीचे कर देना, ठीक है ना। तो एक्यूरेट कलर पर आ जाएगी और इसका साइज को 18 है, तो साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है, इतना कर लेना है। और यहाँ पर राइट पर टैप करो और एक बार टैप करो और मूव एंड ट्रांसफर पर आओ और इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना। ऊपर पर रखना है, यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद आपको बैक करना है, फिर इस पर भी हम शैडो ऐड करेंगे। तो बॉर्डर एंड शैडो पे जाते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रोक दे देंगे और सॉरी यहाँ पर बॉर्डर शैडो पे जाना है। शैडो पे जाने के बाद इसको ऑन करना है और इसका जो शैडो है वाइट रखना है। तो काफ़ी सही लग रहा है और साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पर क्लिक करके। तो देखो मतलब सही लग रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिरिक्स ऐड करेंगे। उससे पहले हम सॉन्ग ऐड करेंगे। तो मेरा सॉन्ग जो है वो वीडियो फॉर्मेट में है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस पर टैप करूँगा, मीडिया पर जाऊँगा एंड मान लीजिए ये मेरा वीडियो फॉर्मेट में सॉन्ग है, ये वीडियो फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को ऐड कर लेंगे, फिर वीडियो लेयर पर टैप करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो सब नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करो। तो मेरा ऑडियो जो है वो मतलब कि एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है डिलीट कर देंगे ये वाले वीडियो को। तो अब आपको लिरिक्स को मार्क कर लेना है। तो लाइक मान लीजिए मेरा लिरिक्स यहाँ तक है, फर्स्ट लिरिक्स इतना है, इसको मार्क करूँगा, सेकंड लिरिक्स यहाँ तक है, इसको मार्क करूँगा, थर्ड लिरिक्स यहाँ तक है, इस तरह करके आपको मार्क कर लेना है पूरे वीडियो में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिरिक्स को लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ पर मेरा मतलब कि लिरिक्स जो है वो है ए मेरे, ठीक है ना। ये सॉन्ग मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, ए मेरे हम सफ़र हम सफ़र, ये मतलब नई वर्जन में है। तो इसको ले लेने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट को चेंज करना है। यहाँ पर क्लिक करो, वी वॉल पे जाओ और यहाँ पर क्लिक करना और सेंस सेरिफ जो लिखे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई एक बोल्ड सा फॉन्ट लेना ताकि सही लगेगा देखने में। तो मैं यहाँ पर कोई एक ले लेता हूँ, मॉनिस्टर बोल्ड लेना है, मॉनिस्टर एक्स्ट्रा बोल्ड ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मॉनिस्टर बोल्ड ले लेता हूँ, तो ये देख ले तो काफ़ी सही लगेगा। हाँ ये सही लग रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट। वाइट करने के बाद आपको यहाँ पर इसका साइज को जो है थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इतना बढ़ाना है और इसको मैं यहाँ करता हूँ टाइप, राइट पर टैप करना है, फिर एक बार टैप करना है और इसको मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद नीचे लेके आ जाना है। तो देखो इतना नीचे लेके आ जाना है ताकि सॉन्ग का लिरिक्स जो है वो भी सही से दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे। तो बैक करो, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे वाइप, WIPE वाइप सर्च करना है। इसको पे क्लिक करो एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करो। अब हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेरा लिरिक्स है, देखो यहाँ पर फर्स्ट लिरिक्स इतना दूर तक था लेकिन यहाँ पर इतना दूर तक आ चुका है, तो सबसे पहले इसको कट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले बैक करता हूँ, तो फर्स्ट लिरिक्स इतना दूर तक, इसको मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट था ये मेरा डिलीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे, तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर से यहाँ पर क्लिक करो ऐड इफेक्ट पे और यहाँ पर वाइप पे जाना है। अब देखो यहाँ पर हम सबसे स्टार्टिंग पहले पोजीशन पे आएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन पे इस पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर एकदम लास्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर इसका जो मेरे को परसेंटेज है वो मैं 300 पर कर लेता हूँ, ठीक है ना। सॉरी 300 नहीं, मतलब कि इसमें आप लोगों को 90% तक कर लेना, ठीक है ना। मुझे भी क्या हो चुका है पता नहीं, भूल जाता हूँ यार, बहुत सारी इफेक्टेड होती है। तो आपको यहाँ पर 90 तक कर लेना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं 90 तक कर लेता हूँ, ठीक है ना, 95-90 ओके। उसके बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पर आना है। फर्स्ट में मैंने जब की फ्रेम ऐड किया था, इसको आप लोगों को कम से कम 10% बढ़ा देना, ठीक है।
तो यहाँ पर 10% कर देता हूँ, 10 या 11 रख लेना, तो 10.90%, ठीक है ना, इतना कर लेना है। आप देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो सॉन्ग कुछ इस टाइप का, मतलब कि होते हुए आई मूव होगी लिरिक, मतलब कि जो इफेक्ट मैंने ऐड किया था इस टाइप का होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट देना है, वाइप पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देखा देगा ये वाला, मैं इस पर क्लिक करना है कर्व पे, उसके बाद सेकंड वाला कर्व ले लेना, ठीक है ना, सेकंड वाला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर बैक करना है, तो बैक करने के बाद आपको एक एंड का ऑप्शन देगा, एंड पे क्लिक करना है, एंड पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे, और यहाँ पर एक बीच पे कर देंगे, ठीक है ना, बीच सेंटर पे, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम फर्स्ट पे की फ्रेम जो मैंने ऐड किया है इस पे हम कर लेंगे यहाँ पर एंड को, मतलब कि -3%, ठीक है ना, तो माइनस पे कर लेना है, इसको घटाना है मतलब, तो यहाँ पर मैं फटाफट घटाता हूँ, देखो तो -4 बहुत ज़्यादा हो चुकी है, -3% कर लेना है, तो यहाँ पर मैं -3% कर लेता हूँ, देखो -2 -3, ठीक है ना, इतना हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको फेदर पर क्लिक करना है, और फेदर को आपको 20 तक कर लेना है, 20, तो देखो यहाँ मैं 20 कर लेता हूँ, तो 20 कर लेना है इतना, तो देखो इस तरह का मेरा जो है मतलब कि लिरिक्स बन जाएगी। अब हम यहाँ पर बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे जाना है, और ये सर्च करना है आपको ब्लैक ब्लॉक BLOCK, यहाँ पर सर्च कर लेना है ब्लॉक ब्लॉक डिसॉल्व ये वाला, इस पर क्लिक करूँ, एंड स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए क्लिक करना है, और हम यहाँ पर फिर से एक की ऐड करेंगे की फ्रेम, तो यहाँ पर ओपन करो इसको, और स्ट्रेंथ पर क्लिक कर रखना है, एंड फर्स्ट पोजिशन पर आपको आना है, तो यहाँ पर लास्ट पे एकदम लास्ट पे आना है, लास्ट से थोड़ा सा पहले यहाँ पर इतना दूर कर लेना है, और की फ्रेम एक यहाँ पर ऐड करो, और यहाँ पर एक लास्ट पे की फ्रेम ऐड करना, ठीक है ना, यहाँ पर, तो दोनों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना कि यहाँ पर मैंने जो लास्ट पे थोड़ा सा पहले की फ्रेम ऐड किया है, इसका आप लोगों को कम से कम करना है एकदम 0.25 तक, ठीक है ना, तो मैं कर लेता हूँ 0.25 तक, सॉरी क्या हो जाता है यार, 0.20 पर ज़्यादा नहीं करना है, तो मैं दिखाऊंगा कैसा लगेगा, 0.25 इतना रखना है। उसके बाद आपको लास्ट पे आना है, लास्ट वाले पे की फ्रेम जो मैंने ऐड किया यहाँ पर आना है, और इसको एकदम 1000 का लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1.00, तो ये काफ़ी सेलर है देखने में, मैं दिखाता हूँ, देखो देखो इस टाइप का मेरा बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइज पाएंगे, और सबसे पहले पे आता हूँ साइज पाएंगे, और इसका साइज को जो है हम 100% कर लेंगे, ठीक है ना, तो मैं दिखाता हूँ, 100 बहुत ज़्यादा हो गई, 100 120 या 115 का लेना है, तो मैं 120 कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो 120 करना है। उसके बाद आपको स्ट्रेट पर आना है, स्ट्रेट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि वाई वाले पे आना है, वाई वाले के आने के बाद आपको इसको एकदम 0 कर देना है, ठीक है ना, तो मैं 0 कर लेता हूँ, एकदम 0 करना है, 0.1 जो भी है। उसके बाद आपको सीड पे आना है, SWD सीड, सीड पे आने के बाद आपको यहाँ पर 1.13 या 14 कर लेना है, तो यहाँ पर मैं 1. बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसको 1.13 14 कर लेना है, तो यार ये एडजस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हाथ इधर उधर हो रही है, तो यहाँ पर 1.14 कर लेना है। उसके बाद फिर से नीचे आना है, फेड पे जाना है, फेड को आप लोग 0.30 कर लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 30 कर लेता हूँ, इतना कर लेना है, इतना करना है। अब मेरा जो मतलब कि टेक्स्ट है वो बन चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो मेरे तो इस तरह के काफ़ी सही लग रहा है, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि इधर से उधर कम हो रही है। तो इसके बाद आपको सेम फर्स्ट लिख्स तो काम हो चुकी है, अब यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये वाला आइकन पर टैप करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट डिलीट कर देना है, और सेकंड लिख्स मेरा देखो यहाँ है, तो यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लिक करके फिर से आपको सिर्फ एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आपको ए टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मेरे हम सफ़र तू ज़रा बता, तो यहाँ पर तू ज़रा, ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ, तू ज़रा बता, तो यहाँ पर है, इसको राइट पर टैप करो, और यहाँ पर नीचे लेके आ जाना, यार ऊपर कैसे हो गई, तो इसको नीचे लेके आ जाना, देखो इतना, तो काफ़ी सही लगे देखने में, देखो तो देखो इस टाइप के मेरा लिरिक्स बन जाएगी, मेरे हम सफ़र तू ज़रा बता, देखो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप लोगों को वीडियो में ऐड कर लेना है, कॉपी पेस्ट करके बस आपका वीडियो बन जाएगी, तो काफ़ी सही लग रहा है देखने में, देखो वीडियो भी मूव हो रही है, और नीचे टेक्स्ट भी दिखाई देगी, तो आप लोग समझ रहे हो ना, काफ़ी सही लगेगा देखने में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और मैंने जितना अच्छे तरीके से बताया है ना, एक एक पार्ट को आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों को बीच में से कुछ वक्त को समझ में नहीं आया है, तो आप और एक बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत कुछ नया सीखे होंगे, बहुत कुछ, तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए जय हिंद।